दोस्तों रात के 11:22 पे है और मैं इस वक्त गोवंडी के अंदर हूँ। एक शॉप को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ जिसको शुरू होकर सिर्फ 2 दिन हुआ है और सुबह से ये मेरा घाटकोपर से तीसरा चक्कर है कि पैर रखने के अंदर जगह नहीं थी, दुनिया भर की भीड़ थी। तो अब मैं 11:30 के आसपास आया हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए। इसके ताल्लुक से बात करने से पहले यहाँ पे आया कैसे जाता है मैं बाहर जा करके दिखाता हूँ। देखो ये है कुबा स्वीट कॉर्नर, बराबर है गोवंडी का मेन सिग्नल है। ये रोड जो है वाशी की तरफ से जाता है और ये घाटकोपर की तरफ से आता है। बस इसी सिग्नल पे आपको ये कुबा स्वीट कॉर्नर दिख जाएगा। अब सीधा अंदर चलते हैं और समझते हैं आगे की कहानी। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार, एक बात सवाल का जवाब दो, मतलब ये जी शुरू होके सिर्फ 2 दिन हो गए और आपने तो पूरे गोवंडी के अंदर हंगामा बरपा कर दिया है यार, इतना जबरदस्त रिस्पांस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस जगह पे लोकेशन अच्छा है और हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड लेवल की है और लोग अच्छी पसंद करते हैं। एक बार एक सवाल का आप मेरे जवाब दीजिए कि गोवंडी में बहुत सारी दुकानें माशाल्लाह एक से एक अच्छे अच्छे ऑप्शन है, लेकिन कस्टमर अगर कोई आए आपके पास, चाहे वो केक लेने के लिए आए, चाहे ड्राई फ्रूट लेने के लिए आए, मल्टीपल चीजें आपके पास जिसके आगे हम बात करेंगे, तो वो क्यों आए? हमारे पास ऑप्शन बहुत है। मिठाई में स्पेशल पिस्ता अंगारा है, वॉलनट अंगारा है, वो काफी है इधर कि यहाँ पे नहीं मिलता है ज्यादा ऑप्शन। ये जो नाम ले रहे हैं ना, तो ये अब समझने वाली चीज है कि चलो देखते हैं क्या है। जैसे कि आपको जल्दी गिफ्ट हैम्पर चाहिए शादी के लिए, एनिवर्सरी के लिए, तो यह ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, ये पूरा गिफ्ट हैम्पर काउंटर है मतलब ये। और ये क्या है भाई? ये होममेड शरबत है, उसमें बहुत सारे 35 फ्लेवर अवेलेबल है। अच्छा, 35 फ्लेवर सब अपने पास अवेलेबल। यहाँ से ड्राई फ्रूट्स है, ये है ड्राई फ्रूट्स, आपको एकदम बेस्ट प्राइस में मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के मिलेगा। और उसके अतराफ के लोगों को अब ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए ईद बरात जो है वाशी जाने की जरूरत नहीं, रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। अच्छा, प्राइस भी रीजनेबल प्राइस मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी। होलसेल यस होलसेल प्राइस और क्वालिटी भी बेस्ट मिलेगा। ये ड्राई फ्रूट हो गया, अब ड्राई फ्रूट की मिठाई क्या है दोस्त? ड्राई फ्रूट्स में ये अंजीर ड्राई फ्रूट्स है, वॉलनट ड्राई फ्रूट्स है। सर पूरा खत्म हो गया? रश था इसकी वजह से खत्म। अच्छा, यहाँ पे नीचे आ जाते, ये क्या है? ये बकलावा वगैरह है सर। अरे बकलावा भी आ गया, बकलावा है और ड्राई फ्रूट स्वीट्स है, फैंसी आइटम है काजू में। क्या बात है, मतलब जबरदस्त बकलावा भी आ गया। और उसके बाद में अब आ जाते बर्फी वाले आइटम की। हाँ, बर्फी में है ना? बर्फी है ये सब? हाँ। कितनी सारी फ्लेवर है? ये फ्रूट फ्लेवर सारे अवेलेबल। और ये बर्फी के बाद आ जाते ये 3 काउंटर कौन से ही? ये इम्पोर्टेड चॉकलेट है, उसमें ब्रांडेड भी अवेलेबल है। ये इम्पोर्टेड चॉकलेट है, वो मेरे ख्याल से इंडियन है, मतलब इंडियन भी है। अच्छा, और ब्रांडेड भी अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, वो और एक काउंटर भी है? जी, 3 काउंटर है चॉकलेट्स के, चॉकलेट के। अच्छा, अब ये इसके ऊपर आ जाते, ये क्या है भाई? ये अफलातून है, मुंबई का अफलातून, मुंबई की पहचान, मुंबई का अफलातून। वाह, क्या बात है, मतलब इसकी अपने पास कीमत कितने से स्टार्ट होती है? 280 से स्टार्ट, 840 तक है हमारे पास। अरे वाह माशाल्लाह, मतलब एकदम वाजिबी कीमत के अंदर ही, वाजिबी कीमत के अंदर ही, कीमत के अंदर ही। अच्छा, नीचे ये क्या है? ये सब मावा मीठा है, डिंग लड्डू है, मेथी लड्डू है, बेसन लड्डू है, मोती। अच्छा, वो आप अंगारे की बात बोल रहे थे, वो क्या है अंगारा? पिस्ता अंगारा है, वो स्पेशल आइटम है। किधर है वो? अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। रश की जगह मैंने रील बनाया, उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट है, मतलब कमेंट है, लेकिन अभी आज आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया मतलब ये। अच्छा अच्छा, तो ये मोतीचूर के लड्डू वगैरह भी सब है? हाँ बिल्कुल है। ये देखो माशाल्लाह, यहाँ पे जो है ग्राहक है, 2 दिन हुआ है शुरू होकर के, लेकिन उसको दिखाने के लिए माशाल्लाह एकदम प्राउड। ये कौन सा काउंटर है भाई? ये बंगाली स्वीट्स है। बंगाली स्वीट में क्या क्या है इसमें स्पेशल? ये मलाई टोस्ट है, मलाई चमचम है, रसमलाई है, गुलाब जामुन, काला जामुन। ओहो हो, और ये क्या है? ये ब्लैक करंट बर्फी है, ये कलाकंद बर्फी है। ओहो, ब्लैक करंट बर्फी, कलाकंद बर्फी। अच्छा, ये यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? ये ख्वाजा है। ये ख्वाजा है, और इसके बाद में बंगाल के बाजू में केक की दुकान है। केक है, केक भी है। चलो केक है, इसमें कस्टमाइज केक भी मिलेंगे आपको ऑप्शन में। अच्छा, ये काउंटर क्या है? ये नान कढ़ाई का काउंटर है। नान कढ़ाई का, नान कढ़ाई। कितनी तरीके की नान कढ़ाई? 6 फ्लेवर अवेलेबल है। कितने? 6 अवेलेबल है, 6 फ्लेवर एक नान कढ़ाई। और इसके बाद में अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है भाई? ये नमकीन वगैरह है। नमकीन का भी इंतजाम है? नमकीन का भी है, बिल्कुल। अरे वाह यार, गोवंडी वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है नमकीन। और ये खारी टोस्ट भी है नाश्ते? खारी टोस्ट है। अच्छा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। और नमकीन में ये वेफर वगैरह भी है, और इसमें और क्या क्या है? बहुत सारे इसमें भी 40 फ्लेवर अवेलेबल है नमकीन में भी। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाते, ये क्या है? ये कुकीज है। ये है कुकीज? ओहो हो,
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक मिठाई की दुकान के अंदर आप जो तवक्को करते हैं कि मुझे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो तमाम चीजें यहाँ पे दस्तियाब है, अवेलेबल है। और एक दूसरी बात कि मतलब आपको कुछ भी चाहिए, चाहे आपको ड्राई फ्रूट चाहिए, चाहे आपको शरबत चाहिए, चाहे आपको ड्राई फ्रूट की मिठाई चाहिए, चाहे आपको बूंदी चूर के लड्डू चाहिए या आपको बंगाली मिठाई चाहिए, एक ही शॉप के अंदर, एक ही दुकान के अंदर अवेलेबल है। यहाँ का जो एड्रेस है और यहाँ के जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। ये दुकान की जो खासियत जितना मुझे समझ में आया कि ये लोग जो है ये हाइजीन के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इसको फोकस है। आपको वाजबी कीमत के अंदर एक अच्छी मिठाई चाहिए तो आप यहाँ पे जो उसका फायदा उठा सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।